जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका चुनाव पर असर देखने को मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छा हाँ, अच्छा। और वही वाली बात आती है ना, जैसे नीतीश जी चले गए, आए थे हरिभजन को होटल लगे, फिर वही कपास। हाँ, नीतीश कुमार उधर गए नहीं, और जयंत चौधरी भी चले गए। हाँ, वही ये छोटी चीज है, नीतीश वाली बात है, तूने ही आग लगाई, तू बुद्धिजीवी है, इंडिया गठबंधन बनवाया, वही बनवाया आपने ही करके, और आप ही ऐसा काम कर रहे हो। तो ये ही बीजेपी का मेन शेड्यूल रहता है। किसानों की बात की जाती है तो वो ये भी कहते हैं कि हमने जो स्वामीनाथन है उनको भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, उससे हमको क्या दिया, किसान को क्या दिया है? अच्छा, रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? क्या हो रहा है, एक्चुअली ब्लैकमेलिंग करते हैं ये बीजेपी वाले। बड़े स्तर पे वोटों को खरीदा जाता है, नेताओं को खरीदा जाता है। सरकारी गिराई थी उनने इसी में। क्या नाम था आपका? राजवीर सिंह गोरैया। अच्छा, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे इलेक्शन की कि जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या माहौल बन रहा है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में तो अभी कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है। अभी विधानसभा वाले सतीश सिकरवार जी यहाँ से जीते, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे थे कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं? नहीं हुआ, उधर से नहीं हुआ। अच्छा, इधर से तो हुआ। अच्छा, तो क्या आपको क्या कमी? मालवा में उधर कमी निकली, मालवा में कमी निकली। क्या हो रहा है, एक्चुअली ब्लैकमेलिंग करते हैं ये बीजेपी वाले। बड़े स्तर पे वोटों को खरीदा जाता है, नेताओं को खरीदा जाता है। सरकारी गिराई थी उनने इसी में। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम में भी कुछ ऐसा है, ईवीएम का भी सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, ये बताइए, ईवीएम का होता तो जहाँ कैसे जीते जाते? अच्छा, बड़े बड़े मंत्री कैसे हार गए? ये गलत बात। अच्छा, ये बताइए कि अभी राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, कुछ टाइम बाद 10-15 दिन बाद यहाँ से भी जी जी, उस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं, क्या उसका कुछ फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है। अच्छा, युवाओं पे तो पड़ेगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये ही है, राम मंदिर बनना कोई मुद्दा नहीं होता। अच्छा, राम मंदिर मुद्दे को आप क्या लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि उसकी वजह से मोदी जी को सपोर्ट मिलेगा। भाई, मोदी जी को सपोर्ट जो मिलेगा, जितने भी RSS है ना, वो जड़ से जमीन से जुड़ी है, RSS से जुड़ा है साधु, जो सब विदेश जा रहे हैं साधु, वहाँ से धन ला रहे हैं साधु, जिनने ये और लपका दिया साधुओं को विदेश जाना राम मंदिर के मुद्दे पे, क्यों? वहाँ से धन आया, राम मंदिर के नाम पे ही तो आया। अच्छा अच्छा, अब उनको पड़ी आदत, तब वो सब जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक भी साधु है? तो ये बताइए, जैसे आप क्या कह रहे हो, राम मंदिर का मुद्दा अलग है, वो राम क्या है, भावना को भड़काना, धर्म वो मंडल और कमंडल वाली बात आती, पहले मंडल था तो आज भी वो मंडल वाली बात आई आ रही है, पिछला वर्ग वाली बात OBC की क्यों नहीं हो रही वो? अच्छा अच्छा, भाई जो सच्चाई है उस पर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका चुनाव पर असर देखने को मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छा हाँ, अच्छा। और वही वाली बात आती है ना, जैसे नीतीश जी चले गए, आए थे हरिभजन को होटल लगे, फिर वही कपास। हाँ, नीतीश कुमार उधर गए नहीं, और जयंत चौधरी भी चले गए। हाँ, वही ये छोटी चीज है, नीतीश वाली बात है, तूने ही आग लगाई, तू बुद्धिजीवी है, इंडिया गठबंधन बनवाया, वही बनवाया आपने ही करके, और आप ही ऐसा काम कर रहे हो। तो ये ही बीजेपी का मेन शेड्यूल रहता है। आपको नहीं लग रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं? पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इंडिया गठबंधन बना है उसके पर? नहीं पड़ेगा, बिहार में भी पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा अच्छा, बिहार में नीतीश को थोड़ी वोट मिला है। अच्छा, जनमत तो उसको मिला दूसरे को, अब उनको करके और बीजेपी से दे के बना सरकार। अभी जैसे किसानों की बात की जाती है तो वो ये भी कहते हैं कि हमने जो स्वामीनाथन है उनको भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, उससे हमको क्या दिया, किसान को क्या दिया है? अच्छा, रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? जो उन्होंने दी स्वामीनाथन, स्वामीनाथन सुझाव दिए गए थे ना, वही तो रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? रत्न देने से क्या रत्न, एक बात बताओ, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दे दो,
तो उनका बच्चा आ गया, उनके साथ आ गया, आ गया बस। अच्छा, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे उन्हें चुनाव में फायदा मिलेगा, क्लियर बात। दुनिया अंधा भी जानता है इस चीज को, बिद्दू जी भी। तो क्या है, ये जो युवा है ना, अगर युवा सही तरीके से चल गया तो बीजेपी कहीं नहीं है। और युवा क्या है, नशे का आदि हो गया है। अच्छा, तो एंड टाइम पे वो पैसे के लालच में आके भड़क गया। इस बार बदलाव देखने को मिलेगा है ना? पक्का 100% 90 नहीं 100 बदलाव का। तो दबे कुछ अजय बेड़े डले हैं जहाँ, क्या है इनके लिए जगह बनाओ ना पहले, प्रॉपर जगह नहीं है इनकी भी। भाई आप एक बात बताओ, जो कचरा डला है आपके पास डला है तो क्या है? तो ऐसी चीजें, नाम झाड़ू लेके नेता ने फोटो खिंचा लिया, स्वच्छता अभियान हो गया, ये डला है देखो, कहाँ कहाँ बताऊंगे आप चाह रहे हो बदलाव होना चाहिए ना? चाह नहीं रहे, होना ही चाहिए। एक चित्राज किसी का चलता है तो देश हित में होता है, देश हित में होना चाहिए। क्या एक चित्राज है, मनमानी हो रही है हर चीज, हर लो जे बिल पास हो गया, लो जे बिल पास हो गया। भाई दलित को महात्मा गांधी ने बोला था, जब आखिरी पंक्ति में होगा वहाँ से चलो। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात की है, सिंधिया जी भी उधर ही हैं। वो तो बिकी गया है, उसने तो पूरे चम्बल का जैसे पूजा है सिंधिया जी का, उनको अपनी हार स्वीकार नहीं हुई। भाई स्वीकार, तुम छोटी सी बात के पीछे सीट से जो हार गए थे, हाँ तो ये गलत बात है ना। जनता का तो भरोसा आपसे था ना, आपने जनता का भरोसा बेच दिया, नहीं बेचा। 40-40 करोड़ की सौदा हुआ, कोटी बनी है, मैं एक एक को सबको जानता हूँ, उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो आपको लग रहा है यही ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन पाएंगे? ये बना नहीं पा रही कांग्रेस, कांग्रेस नहीं बना पा रही है, मेन चीज ये है। अच्छा, विपक्ष भी कमजोर कर दिया है। अच्छा, आपको लग रहा है मीडिया वगैरह ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिकी हुई है? वो तो मोदी के, मोदी देखो CBI ले लो, अब वो तो तोते की तरह पढ़ रहे हैं, ED CBI सब सब सब। और मीडिया क्या है, मीडिया सुबह से शाम तक मोदी मोदी, इस यात्रा के बारे में एक शॉट दे दिया बस खत्म, और बाकी सारी चीज ये चलती रहती है ना। ठीक है, वही मोदी, राम मोदी, मोदी की गारंटी। और मोदी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है मोदी की मेरे को ये बताओ। वो तो कह रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं उसी तरीके की चीज चल रही है। मैं अभी प्रूफ दे दूं, मैं मेरे पे बहुत प्रूफ है, जैसे 5,000 का इलाज फ्री है, कार्ड लिए फिर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो रहा है? अरे पैसे नहीं ले, जो कि माननी नहीं है, पैसे नहीं आ रहा सरकार से, हम कैसे कर दे। ऐसे 25 केस है मेरी नज़र में। चलिए, तो आप ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता एक माहौल बनेगा और इस बार माहौल बनेगा और माहौल चेंज होगा। राहुल जी की जो यात्रा आएगी उससे फर्क पड़ेगा, उससे युवाओं में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। चलिए, ऐसी बात नहीं है। आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। तो ये कब से बेच रहे हो आप सब्जी वगैरह, कब से लगाते हो? गए 2-3 महीना। 2-3 महीना हो गया। हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जैसे चुनाव आ रहे हैं उसके लिए चुनाव पनाए को का चुनाव कर रहा भैया। अच्छा, तो ये से चुनाव हुए थे तो आपको इधर भेज दिया गया, इधर नहीं है सर, परेशानी आ रही है। अच्छा हाँ, जहाँ में मूंग परी हूँ वो बेच ही रहे हैं यहाँ में। अच्छा चना? अच्छा अच्छा हाँ, जहाँ में कचुना है। चुनाव से पहले आपके ठेले उधर लगते थे? पहले ना बिकने लगे जाते, सब नहीं लगन दे रहे, तो इधर बिक्री वगैरह सही नहीं हो रही, कांटे माटे ले जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, कांटे नगर पालिका वाले, नगर का पालिका। मेरा बुरे सिंह। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ठेलेबाजी करते हो क्या करते हैं? अच्छा, तो ये कब से कर रहे हो आप? मेरे को आएगा 15 साल हो गए। 15 साल हो गए जी। हम लोग यही सर्वे कर रहे हैं, जैसे अभी इलेक्शन से पहले आपकी शॉप वहाँ पे लगती थी, वहाँ ठेले लगते थे, अब आप लगेंगे ठेले ले जाते उठा के। अच्छा, 1,000 रुपये 2,000 रुपये 20 दिनों ठेले दे रहे हैं। अच्छा, क्या करें, जेल काटे बच्चे को मारे अपने को, क्या करें। अच्छा अच्छा, क्या करें। तो वहाँ प्रॉपर वहाँ जाम वाम लगता था, इस वजह से बंद किया गया? पता नहीं, भगवान जाने वो किसी को लगे, क्या करें, बंद करना चाहिए। क्या कह रहे हो, जब लगते थे तभी बंद करें, शुरू में लगते ही नहीं ठेले वहाँ पे, अब लग गए जम गए, उठा रहे हैं ठेले को, क्या मतलब, रोड सब कुछ उसी चल रही है, कुछ है ही नहीं उसमें।
अब तो सब प्रधान हो गए। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री नए बने हुए, कोई अच्छा काम नहीं किया? कोई कोई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, बेकार काम कर रहा है पूरा। मोहन यादव ने हाँ मोहन कुछ नहीं कर रहा है, और गरीबों मार रहे हैं, मार रहे पैसे वाले बढ़ रहे, गरीब आदमी मर रहे हैं बंगला। अच्छा अच्छा, तो इस आपको क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा वाले, उसमें कुछ बदलाव दिखेगा? देख जाएगी उपाय, देख जाएगी। अभी अभी किसी को हम चुनाव वोट, अच्छा अच्छा हम नहीं जाएंगे वोट किसी को भी, वोट नहीं दोगे आप? नाराजगी है? नाराजगी बिल्कुल यही है, क्या मर जाएगा, ये गाड़े आप दोगे वोट? कुछ नहीं देंगे हम तो वोट। चलो ठीक।